आप माफ नहीं करेंगे मुझे? तुमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है कि तुम्हें माफी मांगनी पड़े। नहीं, मैं बहुत कुछ फजूल बोल गई। क्या करूं, साहब जी का तो फोन ही नहीं मिल रहा। साईं को मिलाती हूं। हेलो, साईं मैं बानू। बोलो। साईं मैडम ने नींद की गोलियां खा ली हैं बहुत सारी। क्या बकवास कर रही हो? जी साईं, उनकी हालत बहुत खराब लग रही है। तुम कहाँ थी? साईं मैं खाना बना रही थी, दिन भर आपका इंतजार करती रही, फिर गुस्से में आ गई। और अब साईं मेहरबानी, आप जल्दी आ जाएं। आ रहा हूं मैं। एम्बुलेंस को कॉल करो। ठीक है साईं। पैसे कीजिए, घर जाइए, मैं यहां हूं। नहीं, मैं यही रुकूंगा। तुम डिनर मेरे साथ कर रहे हो। तुम क्यों जिद कर रही हो? मैं समझा रहा हूं ना तुम्हें कुछ। मेरी ख्वाहिश तुम्हें जिद लगती है। तो जिद ही सही। अगर तुम आज यहां से गए तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। भाभी, मैं आपकी तरह बहादुर नहीं हो सकती। मैं आपकी तरह किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जिसको मैं जानती ना हूं। आपको क्या लगता है, मैं देखती नहीं भाई किस तरीके से आपको झिड़क रहे होते? जरा जरा सी बात पे आपको झाड़ देते हैं, आपका जरा ख्याल नहीं रखते। नहीं भाभी, मैं ऐसे से शादी नहीं कर सकती जिसको ना मैं जानती हूं और ना ही मोहब्बत करती हूं। Thank you.
सरफराज, सरफराज आप सुन रहे हैं? बहरा नहीं हूं, आवाज आ रही है मुझे? नहीं, मैं ये तो नहीं कह रही थी। तो फिर क्या कहा है तुमने? सरफराज, आपने कभी हमारी औलाद के बारे में सोचा है? हाँ सोचा है, और मैं चाहता हूं कि ना। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि मैं नहीं चाहता। औलाद तो अल्लाह की नेमत होती है, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है। हाँ बिल्कुल खुशी होती है, बिल्कुल खुशी होती है, लेकिन उनके लिए जिनके लिए उनकी शादी खुशी हो, लेकिन मेरे लिए तो ये शादी एक सजा है। और ये एक ऐसी सजा है जिससे जिससे मैं छुटकारा नहीं पा रहा। आपको मैं इतनी ही नापसंद थी तो आप इस रिश्ते से इनकार कर देते? लेकिन नहीं, अगर मैं आपको पसंद ना होती तो आप पहली ही नजर में मुझे बता देते। सरफराज, आप तो बहुत खुश थे मेरे साथ, फिर अचानक क्या हो गया? अभी ना तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं हुई मेरे लिए कि तुम मुझसे सवाल पूछो, समझी? और औलाद के बारे में जानना चाहती हो ना? हाँ, तो मैंने सोचा उसके बारे में। मेरी औलाद होगी लेकिन तुमसे नहीं। औलाद औलाद औलाद, मैं जानता हूं कि इसकी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, मैं इसकी वजह से बहुत पछता भी रहा हूं। आपके पछतावे से मेरी खाली गोद तो नहीं भर जाएगी ना? मेरा बच्चा मेरे हाथों में आने से पहले दुनिया से चला। फिजा, लेकिन तुम परेशान मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अल्लाह में मजीद औलाद देगा, और इस बार मैं वादा करता हूं तुमसे कि तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा।